गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस पावन स्थान दे आप जी दर्शन कर रहे हो, यह स्थान है गुरुद्वारा सिंह शहीदां सोहाणा साहिब मोहाली। यो इतिहासिक ते पावन स्थान है जिथे जथेदार बाबा हनुमान सिंह जी अते अनेकां सिंघां ने शहादत दा जाम पिता। गुरुद्वारा सिंह शहीद सोहाणा साहिब अमर शहीद जथेदार बाबा हनुमान सिंह जी दी अमर यादगार वजो सुभायमान है। यो पावन धरती है जिथे बाबा हनुमान सिंह जी ने दुश्मना दा टाकरा करते हुए हजारां सिंघां सैनिकां समेत शहादत प्राप्त की। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। परम सन्मान ते सत्कारयोग देशों विदेशों दे विच वसदियां सिख संगतां नूं धन धन अमर शहीद सिंह साहिब जथेदार बाबा हनुमान सिंह जी दे प्रकाश दिहाड़े दी लख लख वधाई होवे। और आप संगत नूं बेनती करिए कि पावन पवित्र स्थान गुरद्वारा सिंह शहीदां सोहाणा चंडीगढ़ जो मोहाली दे विच पैंदा है स्थान, सतगुरु महाराज की कृपा दे नाल इस पावन पवित्र शहीदी स्थान के उपर हर साल की तरह 18 मगर 3 दसंबर नूं सिंह साहिब जथेदार बाबा हनुमान सिंह जी का जो जन्म दिहाड़ा है बड़ी श्रद्धा भावना दे नाल मनाया जा रहा है, जिस दे विच सतगुरु जी की कृपा दे नाल जिथों दूरों दूरों सिख संगतां देशों विदेशों दे विचों इलाके दियां और हिंदुस्तान के कोने कोने दे विचों पावन स्थान के उपर संगत हाजरी भरदी है। उत्थे महाराज सच्चे पातशाह की कृपा दे नाल सिख कौम के महान विद्वान, महान प्रचारक, रागी ढाडी, कथावाचक, गुणी ज्ञानी विद्वान पहुँचते हैं, जिन्हां दे विच साहिब जी की कृपा दे नाल सिंह साहिब ज्ञानी रघुवीर सिंह जी, जथेदार श्री अकाल तख्त साहब और मुख ग्रंथी सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी तो बीबी दलेर कौर जी खालसा पंडौरी वाले, भाई बलबीर सिंह जी पारस, भाई गुरप्रीत सिंह जी डांडरा वाले, मीरी पीरी जथा भाई करडैल सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री हरिमंदर साहब तो, और सतगुरु जी की कृपा दे नाल भाई सतनाम सिंह जी कुहाड़का हजूरी रागी सचखंड श्री हरिमंदर साहब जो दरबार साहब दे कीर्तनीय सिंह ने, और साढ़े पंथ के महान विद्वान नामबाणी के रसीए भाई साहब भाई ज्ञानी पिंदरपाल सिंह जी, वह भी इन्हां दीवाना दे विच उन्होंने भी हाजरी भरनी है। आप संगतां नूं बेनती है क्योंकि तुसीं जाणदे हो कि सिंह साहिब जथेदार बाबा हनुमान सिंह जी का जिहड़ा जन्म है ये 18 मगर 1755 के अंदर सन्मानयोग सरदार बापू गरजा सिंह जी, माता हरनाम कौर जी की कुख तों नरंग सिंह वाला नगर जो फिरोजपुर जिले के पैंदा है उस पावन अस्थान तो ये महापुरखों का प्रकाश होया। बुढ़ा दल के जथे दे विच लंबा समा सिंह साहिब बाबा नैणा सिंह जी के जथे दे विच रहे और शेरे पंजाब दे वेले, शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे वेले जो उन्हां दा राज इन्हां बुलंदियों ते गया ते इस राज नूं बुलंदियों दे विच लिजाण दे वास्ते सिंह साहिब जथेदार बाबा हनुमान सिंह जी का बहुत वड्डा योगदान रहे है। और सतगुरु जी की कृपा दे नाल 68 साल की उम्र के जथेदार की उपाधि मिलती है। सिंह साहब जी बनते हैं बुढ़ा दल ते श्री अकाल तख्त साहब जी दे। अंग्रेज़ सरकार ने आप जी को पता है कि जो कि महाराजा रणजीत सिंह दे राज भाग नूं उन्होंने बिल्कुल खत्म करना चाहिया, डोगरियां दी सहायता दे नाल बड़ा कुछ उन्होंने किया, पर सतगुरु पातशाह की कृपा दे नाल जे आज़ादी की सब तो पहली जंग आप जी जिक्र करिए, जंग जिहड़ी लड़ी उह सिंह साहिब जथेदार बाबा हनुमान सिंह जी ने सन 1845 के अंदर इस पावन पवित्र शहीदी अस्थान के उत्ते सिंह साहिब जथेदार बाबा हनुमान सिंह जी अपने जथे दे सिंघां दे समेत इस पावन ते शहादत का जाम पींदे ने 90 साल की उम्र के अंदर। ते आप संगत नूं बेनती है कि इस पावन अस्थान के उपर आप जी टीवी द्वारा भी जो उवें संगतां देखदियां ने, हर समय संगत की बहुत आवाजाई इत्थे लगी रहिंदी है क्योंकि संगत दीआं जिहड़ियां इच्छा मनोकामना भावना मर्यादा अपने बहिरदे की जो भावना लेके चलते ने इत्थों साहिब सतगुरु की कृपा दे नाल पूरियां हुंदियां ने। देसी घिओ का लंगर चलता रहिंदा हर समय, जो लंगर जिन्ना भी प्रसाद पानी गुरु का लंगर वरतदा है देसी घिओ वरत्या जांदा, इहदे विच ना कोई तेल ना कोई रिफाइंड। नगर की जो सोहाणा नगर की प्रबंधक कमेटी है इस पावन स्थान का प्रबंध बहुत सुचजे ढंग दे नाल चला रहे ने सारी, और सतगुरु जी की कृपा दे नाल नामबाणी दे रसीए सचखंड वासी श्रीमान संत बाबा जीत सिंह जी हंसाली साहब वाले महापुरखों ने इस पावन स्थान नूं उन्होंने प्रगट किया और उन्होंने हुक्म दे नाल उन्होंने वचनों का सदका सन 1993 तो
श्री अखंड पाठ साहब दी लड़ी है इस पावन स्थान के उपर आरंभ की गई जो अज तक निरंतर जारी है। साहिब सतगुरु जी की कृपा के नाल आप समुचिया संगतों नाल उत्थे जिथे आपा सिंह साहब जथेदार बाबा हनुमान सिंह जी का प्रकाश पुरब बड़ी श्रद्धा भावना नाल मना रहे हैं ते नाल ही साहिब सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी का प्रकाश पुरब वो भी बड़ी श्रद्धा भावना के नाल जिथे जिथे भी नानक नाम लेवा सिख संगत वसदियां ने बड़ी भावना के नाल मना रहे हैं। तो महाराज सच्चे पातशाह जी की बाणी कहती है कि कल तारण गुरु नानक आया। जिवें आपां पिछे दिवाली दे दिनों दे विच जो दीपमाला साहिब सतगुरु पातशाह की कृपा दे नाल सारियां संगतां ने अपने घरां दे विच कीती उस तरह श्री अकाल तख्त साहब दे वल्लों यह हुक्म है कि गुरु नानक साहब महाराज जी के प्रकाश पुरब के उत्ते भी अपने घरां दे विच आपां दीपमाला करिए साहिब सतगुरु की कृपा दे नाल जिथे बाहरी दीप जगदा उत्थे गुरबाणी नूं पढ़ के विचारां नूं पढ़ के अपने हिरदे दे विच भी असीं गुरबाणी का श्रद्धा भावना का दीप जगाइए तां कि साड़ी जिहड़ी भावना वह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के उत्ते सतगुरां के चरणों के उत्ते बनी रहे। सतगुरु जी कृपा करन दस भाई संदीप सिंह जी पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा सिंह शहीदा इस पावन स्थान के जो कि झाड़ू बरदार हैं साहिब सतगुरु पातशाह कृपा करन दस दे वलों और समुची प्रबंधक कमेटी के वलों धन गुरु नानक साहब महाराज जी के प्रकाश पुरब की और सिंह साहब जथेदार बाबा हनुमान सिंह जी के आने वाले प्रकाश पुरब की जन्म दिहाड़े की लख लख बधाई होवे जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।